नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू योर शो बियॉन्ड द स्टार्स। मैं सोनिया फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया एपिसोड लेकर। टिल डेट वी हैव डिस्कस अबाउट 9 प्लैनेट्स एंड देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पीपल लाइक यू एंड मी फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। प्लीज वेलकम our guest of today evening, Mr. Tony Sai. Please welcome, sir, to our studio. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है चाइल्डलेसनेस और एजुकेशन। सर, ये चाइल्डलेसनेस इज आई मीन इट इफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ, यू नो, कपल्स, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? ये एक बहुत ही बड़ी कमी है कि जिन दाम्पत्य जीवन के अंदर इस चीज की नादानी से कुछ परेशानी बन जाती है, उसमें ये देखना होता है कुछ कपल जो हैं उनकी एज कितनी है, शादी देर से तो नहीं हुई या शादी पहले हो जाना भी संतान योग में बहुत बड़ी परेशानी देता है। आम लोग बाग क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सलाह लेते हैं, क्या कमी, कोई वीकनेस जहाँ जहाँ पर है उसके लिए तमाम तरह की दवाइयाँ ली जाती हैं, वो होम्योपैथिक भी हो सकती है, एलोपैथिक भी, और आज हर्बल्स भी बहुत लोग बाग उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन हमें कुंडली से अध्ययन से ये पता लगता है कि इनकी किस्मत में कब संतान योग है। ये नहीं कि आज शादी हुई अगले साल उनके इशू हो जाए, नहीं, कईयों को 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल भी भटकना पड़ता है। इसके अंदर हो सकता है कि लड़की की कुंडली में दोष है, संतान योग नहीं बनता, लड़के की कुंडली में बनता है। लेकिन जो चीज बिल्कुल ही नीच की बैठी है या पांचवा घर जो है कुंडली के अंदर हमेशा संतान के लिए माना गया है, उस पे दृष्टि दूसरे घर से पड़ती है, नवे घर से पड़ती है और 11वें घर से पड़ती है। अब 5वें घर के अंदर ग्रह नहीं है दोनों में से किसी की कुंडली में भी, तो थोड़ा परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है। उस 5वें घर को भरने के लिए हमें कई प्रकार के उपाय करवाने पड़ते हैं उनकी जन्म तिथि के अनुसार, जिससे फिर उनको साल डेढ़ साल के अंदर सफलता मिल जाती है। सर, ये किसी प्लैनेट से इन्फ्लुएंस्ड है चाइल्डलेसनेस, और आई मीन अगर किसी कोई कपल से सफर करता है तो उसे क्या रेमेडीज और क्या हीलिंग आप दोगे? इसके बहुत अलग अलग प्रकार की कमियां होती हैं कुंडली में भी और जातक के अंदर भी। हो सकता है फीमेल में इतनी प्रॉब्लम्स हो जिसको मेडिकल ग्राउंड पे भी कोई सहायता ना मिल सकी हो और उससे और बीमारियां बढ़ जाती। You mean to say she is important? Yeah. She is important. Yeah. लेकिन उसको ये जो उसके अंदर बुराई है खत्म करना ही एक ज्योतिष शास्त्र का बहुत बड़ा हाथ है कि उनको इस चीज में सफलता देनी। अब दोनों की कुंडली को अच्छी तरह से अध्ययन करना पड़ता है कि 5वें घर को कैसे साउंड किया जाए दोनों की कुंडली में, उसमें कैसे मेल ग्रह को लाया जाए जो संतान के ग्रह होते हैं, जैसे सूरज है, बृहस्पति है, चंद्रमा है, ये संतान के ग्रह। So I have one question to ask. When people come, when couple come to you to talk about this their childlessness problem, ऐसा भी होता है कि they say specifically कि उनको ऐसा male child चाहिए या female child चाहिए conceive करने के लिए, ऐसे भी do they say? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Okay. वो भी होता हैगा। ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो इसका पीछे से अध्ययन चलता आ रहा है, उसमें उन्होंने ये बताया गया है कि जो कपल सिर अपना पूरब की तरफ रखकर सोते हैं तो उनके संतान योग में मेल आता है, बेटे का योग बनता है, क्योंकि जो माँ का और पिता का जो दोनों के मिलन से बच्चा बनता है, बच्चे के अंदर 40% नम्रता होती है, नरम होता है वो बड़ा, और 60% सख्त होता है वो पिता के कारण। जो शरीर के अंदर बच्चे के नरमपन है वो माता की देन है, जो सख्त है वो पिता की, जो कठोरता। हमें यहां तक अनुमान है कि कंसीव करने के बाद अगर वो बहुत ज्यादा बोलती हैं कोई भी लेडी, तमाम दुनिया भर की घर गृहस्थी की बातों में उलझे रहना, बोलते रहना, तो वहां वो फिर
लड़की का योग बनने लग जाता है और उस टाइम में डायरेक्शन उनकी सोने की भी चेंज होती है। उत्तर दिशा में सिर रख के सोते हैं, दक्षिण में रखते हैं, पश्चिम भी हो सकता है। You mean to say she puts her head towards east? Yeah, head okay. should be towards sunrise while sleeping. While sleeping. उसमें है कि अगर दोनों ने ईस्ट में रखा हुआ है तो जो बोलने की बहुत भावना बढ़ती जा रही थी वो दिन पर दिन अपने आप कम होती जाती है। इससे एक नहीं बड़े फायदे, एक तो बच्चे पे लोड नहीं पड़ता। जो प्रेग्नेंट लेडी बहुत ज्यादा बोले उसका असर बच्चे पे पड़ता है, वो क्या होता है कि 2-4-5 महीने बाद केसेस खराब हो जाते हैं। और केसेस खराब होने के बाद केस आते हैं हमारे पास कि एक उनकी ट्यूब थी वो खत्म हो चुकी और जो दूसरी भी है डॉक्टर ने कहा 70% सिर्फ वो काम कर सकती है। अब उसकी जो 30% कमी है उसको पूरा कैसे करना है, उनको फिर हम देसी दवाई, ज्योतिष विद्या और स्पिरिचुअलिज्म से उस केस को देखते हैं जिसपे सफलता लेके जाते हैं। व्हाट आर द रेमेडीज? रेमेडीज एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग होती हैं, जिसपे मैं सामान्य बता सकता हूँ थोड़ी सी जो हर एक में चलती है। एक दोनों को सिर जो अपने पूरब की तरफ रखकर सोना चाहिए, पति पत्नी को। दूसरा, इसके अंदर सुबह सूरज निकलने से पहले उनको जो स्नान करना है उसके बाद अपने ईस्ट को याद करना, क्योंकि भारत आपको पता है एक सांस्कृतिक देश है, इसके अंदर हर इंसान किसी ना किसी भगवान को मानता ही है। स्पिरिचुअलिज्म इज देयर इन इंडिया। स्पिरिचुअलिज्म देयर। फिफ्थ हाउस जहां पर संतान का घर है वहीं वो ये इंडिकेट करता है कि आपको कौन से भगवान की उपासना करनी है। तो संतान योग में या तो हम गणेश जी को पकड़ते हैं या दुर्गा माता को, ये दो जो ग्रह हैं संतान देने में हमारी हेल्प करते हैं कि उनके आपको उपाय करने होते हैं। उपाय वो अलग अलग फिर देखने हैं कैसी कैसी किसी की एज है कितना वो कर सकते हैं। क्योंकि आज है हमको ये देखना पड़ता है कि जो हमारे पास ये मुसीबत अपनी एक परेशानी लेके आया है उसका चेहरा उतरा हुआ है पर उसके अंदर कितने गट्स हैं कि वो सुबह उठ सकता है 4 बजे के नहीं। अगर वो उठ सकता है, you mean to say that a person should be internally strong in order to in order that you recommend your remedies or spiritualism healing, इसके लिए इंसान को अंदर से बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। उसके अंदर कितनी विल पावर है, कितना वो ब्रेव है या उसको वाकई है। अब तमाम जन आते हैं, आजकल की जो लड़कियां पढ़ी लिखी हैं बोलती है नहीं होता बच्चा ना सही, कोई बात नहीं। लेकिन वो तो बात की बात है, एक स्टेज पे जब वो रियलाइज करते हैं वो एक बात की बात है, लेकिन बोलते हैं हमको कोई मतलब नहीं इससे बच्चा हो या ना हो। एक आते हैं रोते हैं, आंखों से उनकी आंसू की नदियां बह जाती हैं कि नहीं हमें तो बच्चा चाहिए। आप कोई भी रेमेडी बताएंगे हम उल्टे लटक के भी करेंगे उसको। आप कहेंगे आधी रात को यहां से 50 किलोमीटर जाने पैदल भी जाएंगे तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि इनके अब वो ग्रह कुंडली के अंदर उच्च के शुरू हो गए होंगे कि जो इनको बहुत बड़ी लालसा पैदा हो गई है बच्चे के लिए। फिर उनको हम 3 तरह के उपाय लिख देते हैं, न्यूट्रिशन, एस्ट्रोलॉजी प्लस स्पिरिचुअलिज्म। और जिसमें है भगवान की कृपा से 80% हमें हर साल सफलता मिलती जाती है और मिल रही है और आगे भी मैं आशा करता हूँ मिलती रहे। Actually, it's a very private issue. So, whenever the couples come visit your chamber, like how do you deal them? How do you handle this kind of cases? Any such case that you've handled so far? ये केसेस जो भी होते हैं, वैसे यही केस नहीं, चाइल्डलेसनेस का कोई भी मेरे पास केस है सबको मैं प्राइवेसी देता हूँ। तो इस केस में भी उतनी प्राइवेसी है जितनी हर केस में है। मेरा सिर्फ ये एक मकसद होता है कि जो भी मेरे पास आया उसकी कुंडली को अच्छी तरह से देखने के बाद किस किस प्रकार के उपाय बताऊं कि जिससे उनको तो मिले सो मिले मुझको भी सफलता मिले कि ये मेरे हाथ से केस हुआ। और पिछले 15 साल से केस में 80% जो सफलता ली मैंने बताया आपको उस पर फिर हम उपाय उनको पहले दिन से शुरू कर देते हैं बताने। ये होते हैं एस्ट्रोलॉजी, फिर डाइट को देना पड़ता है कि जो फीमेल को उसको सुबह उठ के डाइट कैसे खानी है, क्या क्या चीजें खानी है और वो ग्रहों की कि अगर सो व्हाट आर द प्लैनेट्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद चाइल्डलेसनेस? बृहस्पति संतान का कारक, फिफ्थ हाउस का, जो 2, 9 और 11 से दृष्टि डालता है। लेकिन अगर उस घर में संतान का कोई ग्रह नहीं है, घर वो खाली है उसमें कोई ग्रह नहीं है,
अगर कहीं से भी उसको दृष्टि नहीं पड़ रही तो हमको उस पांचवे घर के उपाय करवाने पड़ते हैं उस ग्रह को वहां पर लाने के लिए। अब हो सकता है वो 2 महीने बाद ट्रांसफर हो ग्रह, 3 महीने बाद हो या 6 महीने बाद हो, लेकिन हम उनको रेमेडी पहले दिन से जो लिख देते हैं वो तमाम अपनी उसको फॉलो करके करने लग जाते हैं और उनको साल डेढ़ साल में सफलता मिल जाती है। इसके अलावा और कौन से ग्रह हैं? दूसरा एक होता है जो अबॉर्शन मिसक्रेज करा देता है। अगर पांचवे घर में राहु केतु, अगर पांचवे घर में नेगेटिव, मंगल भी करवा देता है एक शर्त पे, अगर फीमेल के अंदर ब्लड की कमी हो और पांचवे घर को मंगल देखे या मंगल आ जाए या सातवें घर में मंगल ब्लड की कमी हो, एनेमिक हो, अगर एनेमिक को ब्लड की कमी हो प्रॉपर वो ना सर्कुलेट कर रहा है, इसका मंगल भी नहीं चल रहा है, तो फिर मंगल के भी उपाय कराते हैं हम। 3-4 इकट्ठे जो ग्रह हैं जो जो नेगेटिव चल रहे हैं उनको बूस्ट करने के लिए सबके उपाय कराते हैं। मैंने अभी आपको बोला आई थिंक दिस प्रॉब्लम मस्ट बी मोर प्रोन टू कपल्स हु आर एज्ड, आई मीन हु हैव गॉट मैरिड इन अ लेट एज। नहीं ऐसा नहीं, जिनकी बहुत अर्ली भी हो जाती है, जो 18-19 साल में भी लड़की की शादी होती है वो भी मेरे पास आए, 26-27-28 साल के हो गए उनके कंसीव नहीं कर सके, बिल्कुल बैरन थे वो रेमेडी के बाद ही या उनका टाइम अच्छा आया, स्टार ने उनको अब ये संतान योग देना था और संतान देनी थी और सफलता उनको मिली, लेकिन मिली तभी तमाम उन्होंने मेडिकल उपाय कराए, मैंने आपको बताया दवाई ली, फिर उनको बताया जाता है कि आपको तीनों चीजों की डाइट लेनी है। अभी मैं जिक्र करके हटाऊं, न्यूट्रिशन, एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिज्म। व्हाट आर द डाइट्स? डाइट्स नंबर 1, बुध को स्ट्रॉन्ग करना है, हमने उनको आंवले का मुरब्बा, 1 गिलास दूध और उसके अंदर गाय का घी डाल के, कि जो कितना मुरब्बा कितना, 1 पीस सफिशिएंट है मॉर्निंग के, उसके फिर आधे घंटे बाद नाश्ते में। इज देयर एनी टाइम लिमिट? आप अर्ली जितना जल्दी, मेडिसिन टाइम से लेना, और वो ग्रह भी है। ओके, दूध के अंदर जब गाय का घी डाल दिया जाए, अकेला दूध बनता है चंद्रमा, दूध के अंदर गाय का घी डालने से तो उसकी जो है क्लास चेंज हो जाती है, वो फिर बन जाते हैं बृहस्पति। मेल का जो सांस लेना होता है वो सिर्फ नेवल तक जाता है, फीमेल का होता है लेफ्ट इधर वॉर्म तक जाता है। आपने देखा होगा ब्रीदिंग, ब्रीदिंग उसको ऑक्सीजन तभी जाएगा जब उसकी मदर की प्रॉपर ब्रीदिंग होगी, अगर उस मदर की ब्रीदिंग नहीं हुई तो वो कंसीव नहीं कर सकता। वो फिर उनको एक सांस, इसका मतलब उनके जो सिर के अंदर ड्राइनेस है, उस ड्राइनेस के लिए उनको देसी और उपाय बताए जाते हैं कि अपनी ड्राइनेस दूर करो, वो ड्राइनेस दूर करते हैं जिससे वो क्या कि प्रॉपर जो ब्रीदिंग है वो तक जाने लग गए। अब है कि उसके अंदर हमारे को भी रिजल्ट्स देखते हैं, उनको 2 महीने बाद बुला के कहां तक उनकी प्रोग्रेस हुई है। वैसे तो भगवान की कृपा है कि 60% को तो दोबारा मेरे पास आते ही तब। बट आई थिंक दिस रेमेडीज ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑल इज मच बेटर देन मेडिसिन, ओरल मेडिसिंस लेते हैं कई लोग that the doctor recommends. Yeah. So what you have to say about that? Do you recommend oral medicines? नहीं, ऐसा कि हम किसी चीज को मना तो नहीं कर सकते। जब आदमी बीमार, नहीं अगर if the patient who's suffering says कि I take this medicine, जैसे कुछ आते हैं जिनकी आज शादी हुई, 1.5-2 साल हो गए, issue नहीं हुआ और वो किसी doctors के पास भी नहीं गए, उनके parents काफी समय से मेरे पास आते हैं, तो उन्होंने कहा ये problem भी साईं जी के पास लेके चले जाऊं, इस प्रॉब्लम का कैसे समाधान किया जाए, तो उनको फिर सारी जो तीनों मैंने बताई ना आपको, वही दवाई, हर्बल्स हो गए, एस्ट्रोलॉजी होगी और ये स्पिरिचुअलिज्म, तीनों उपाय इकट्ठे लिख देते हैं, क्योंकि उनका साइड इफेक्ट कोई है नहीं। क्या है? दूध गाय का पीना है, उससे क्या है, जो उस नली के अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है, क्योंकि वो ब्रीदिंग प्रॉपर है, सांस चढ़ता है, जरा सा घर में काम करते हैं उनको एकदम सांस चढ़ता है, सांस चढ़ने से कंसीव करने में हमेशा प्रॉब्लम आती है, हमेशा विकास नहीं हो सकता, उसके लिए ये हो गया बृहस्पति का उपाय। दूसरा उपाय मंगल ब्लड, भाई तो मीठा खाया करो ज्यादा से ज्यादा। इसका मतलब विद फ्रॉम योर हीलिंग नॉट ओनली डज द मदर कंसीव, शी हैज अ नॉर्मल डिलीवरी आल्सो। या प्रॉपर रेगुलर विदाउट एनी डिस्टरबेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर दूसरा हो गया दोपहर को दही खाओ, काली मिर्च और धागे वाली मिश्री डाल के। उसका लॉजिक क्या है? जो ब्लड के अंदर कमी पड़ती थी मॉइस्चराइज से, उस पॉइंट तक वो सारी खत्म करता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो इसका मतलब सर्कुलेशन पूरा बॉडी का, ब्रीदिंग है, ब्लड है, पूरा मूव कर रहा है, वो दूसरा समाधान हो जाता है। ये तो होगी सारी डाइट। अब इसके अंदर होता है मेन क्वेश्चन स्टार्स। हमने 5th house, 9th house, 11th house को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, उसके लिए फिर हम उपाय बताते हैं। मैंने आपको बताया
जनरल सामान्य उपाय जो हर एक के लिए है और सारे इसको जान लें जिनको इस चीज की तकलीफ है। एक वर्ष तक हम उनको कहते हैं कि मंदिर के अंदर 2.5 दर्जन केला हर बृहस्पतिवार को चढ़ाना है, स्पिरिचुअल हीलिंग या ग्रेस जी के ऊपर। लेकिन उसमें कंडीशन है, तुमने जाके वहां पे प्रसाद रख देना, अगर वो आपको बकाया मिले तो दोनों जाने आधा आधा खा लो। ये स्पिरिचुअलिज्म रेमेडी जुपिटर का है क्योंकि वहां से आपको ब्लेसिंग्स लगनी है। नंबर 3, कि आपने जो डिनर है करना, जब हम इनको रेमेडीज देते हैं उस टाइम के अंदर जो देसी दवाई हम बना के देते हैं स्पिरिचुअलिज्म मेडिसिन, सिर्फ वो क्या है, फॉर्मूला मैं नहीं बोल सकता, प्राइवेसी में है। यू हैव टू एक्सक्यूज मी साईं जी, इट्स टाइम फॉर ब्रेक एंड आफ्टर द ब्रेक वी विल स्टिल डिस्कस द सेम प्रॉब्लम ऑफ चाइल्डलेसनेस। स्टे ट्यून्ड अंटिल देन, बियॉन्ड द स्टार्स। Welcome back on your favorite show, Beyond the Stars. We are back, Saiji, with the same old discussion of childlessness. Saiji, what are the spiritual remedies for childlessness? सबसे पहला होता है कि उद्दम, कि जब वो ये सोच के आएंगे कि हमें इसमें सफलता लेनी है, तो वहां से उनकी जिंदगी की शुरुआत नए दिन की हो जाती है जब वो आते हैं मेरे पास उपाय के पूछने के लिए। उपाय को भी कैसे करना चाहिए, इसके उपाय बड़े नियम पूर्वक करने होते हैं कि 24 घंटे के बाद इंसान का जीवन एक दिन पीछे चले जाता है और आगे की शुरुआत होती है। स्पिरिचुअलिज्म के अंदर डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। सुबह से उठकर रात के सोने तक उस पर जो उसने डाइट लेनी है उसका हम समाधान बताते हैं कि वो डाइट किस प्रकार से लेनी है। नंबर 1, सुबह उठकर अर्ली इन द मॉर्निंग कोई ब्रश नहीं करना, ना पानी पीना, आंवले का मुरब्बा, गाय के दूध का घी गरम दूध में 1 आंवले का मुरब्बा, और दोपहर को निश्चित टाइम पे दही खाना, धागे वाली मिश्री और काली 3 मिर्च डालकर। और नंबर 3, संध्या के वक्त खाने से पहले सूप जरूर पीना और फल दिन में चाहे 2-3 बार ले सकते हैं और जितना दूध का सेवन करें। ये होता है, इसलिए 3-4 ग्रह हैं जिनकी सारी की सारी दवाएं देसी आ जाती है। उसके बाद एस्ट्रोलॉजिकली सिर दोनों को पूरब की तरफ रखकर सोना। दूसरा उपाय, घर के अंदर गणेश जी की मूर्ति रखनी जिसपे रोज सुबह नहाकर केसर का तिलक इस फिंगर से लगाना और वहां पर बैठ के दोनों को एक निश्चित टाइम पर गणेश चालीसा का पाठ करना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज तक कोई उस पर पहुंच नहीं सका कि बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो संतान देता भी है और अगर वो नीच घर में बैठा हो तो उस परिवार का वंश कभी भी आगे चलने नहीं देता, जिसके लिए तमाम लोग बाग उपाय करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो इलाज है वो करवाते हैं, लेकिन आज तक वो इस तोड़ पर पहुंचे नहीं कि उनकी कुंडली ये कह रही है कि हमने तुम्हारा वंश चलाना ही नहीं है। वो क्या है, बृहस्पति अगर 7वें घर में बैठा है, चाहे वो अकेला है, चाहे दुकेला है, चाहे किसी भी राशि का है, उस घर के अंदर अगर उन्होंने मंदिर बनाया हुआ है, अब भारत देश पूरा सांस्कृतिक देश है, हर घर में अपने मजहब के अनुसार भगवान का स्थान सब लोग बाग बनाते हैं। जो भगवान का स्थान घर में बनाया जाता है आमतौर पर लोग बाग किचन में बनाते हैं या जहां पर जगह फालतू है उस जगह पर बनाते हैं। लेकिन अगर बृहस्पति 7वें घर में बैठा है, वो कभी भी उस घर का वंश आगे नहीं चलने देता, तो हम उनको कहते हैं कि आप अपने घर से जो आपने मंदिर का स्थान बनाया उसको हटा दें। साई जी, अभी कुछ देर पहले यू हैड टोल्ड अस कि मुझे 80% सक्सेस मिली है ये रेमेडीज और हीलिंग के लिए, तो बाकी 20% व्हाट वाज द रीजन? उसमें यही रीजन था कि बृहस्पति अपने आप में एक वंश है। मदर टेरेसा जो आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन उनका वंश चल रहा है उनके कर्मों से, उनके अच्छे कामों से। आज जब भी कोई उनका नाम लेगा तो उनको उसके बारे में पूरा जीवन का अनुमान हो जाएगा कि पूरा उनका जीवन कैसे बीता।
तो ऐसे भी केसेस होते होंगे जो हु वुड बी सेइंग दैट साईं जी वी हैव अ डॉटर बट वी डोंट हैव अ सन, दिस टाइम वी नीड अ सन, और वी हैव अ सन वी नीड अ डॉटर. ऐसे भी केसेस होते, ऐसे केस बहुत आए, जैसे किसी के दो डॉटर्स थी ऑलरेडी, अब उनको बेटा चाहिए. तो बेटा चाहिए तो हमने देखा कुंडली के अंदर बृहस्पति मंगल कहां पर बैठे हैं दोनों की कुंडली में, क्योंकि वैसे वेद शास्त्रों में लिखा है कि जो संतान का योग है वो पिता से देखा जाता है, मां से नहीं देखा जाता. और पुत्र का है वो और गंभीर बन गया. उस पर पहले हमने ये देखा कि इनकी किस्मत में और भी संतान योग है कि नहीं. जब मालूम हुआ कि आगे उनके संतान योग है, फिर हमने उसके दूसरे उपाय कराए मेल चाइल्ड के लिए. वो होता है कि जो सीधी नाक की श्वास नली है, इससे श्वास लेना, वो पुत्र योग बनाते हैं. जो लेफ्ट की है वो कन्या योग बनाते हैं. उस पर फिर हमको स्पिरिचुअलिज्म उपाय करने पड़ते हैं जो बृहस्पति को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिसके कारण मेल योग की संभावना पूरी बनने जाती है. जो मैं आगे भी आपको दो बार ही बता चुका हूँ कि सर हमेशा ईस्ट की तरफ रख के सोना. सर पर कभी ऐसा भी तो होता है कि वी समटाइम ब्रीथ थ्रू द राइट नोज और समटाइम ब्रीथ थ्रू द लेफ्ट नोज अननोइंगली. वो केस खराब हो जाएगा. अगर आज वो राइट है कल वो लेफ्ट हो गया, उस समय वो केस खराब हो जाता है. हम जिस भी कपल को जब मेडिसिन देते हैं स्पिरिचुअलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको पहले इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि आपको पूरी सावधानी बरतनी है. एक पल की सावधानी आपकी पूरे केस को खराब कर सकती है. उसमें उनको पहले सो दे हैव टू ब्रीथ, डू द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या एज अकॉर्डिंगली, जैसे आपने उनको बताया. दिस इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन एक्चुअली. ये जो सारा स्पिरिचुअलिज्म सेक्टर्स हैं जिसके अंदर बताया जाता है कि एक टाइम में इसने कितने मिनट में श्वास लेना है और कितने में नहीं, तो प्रोसेस गलत हो जाएगा. अगर आज राइट है और कल लेफ्ट है तो प्रोसेस गलत है. हाउ कैन वी कंट्रोल इट? बहुत अच्छा है, इस पर सीधा सिर्फ 5 मिनट की एक्सरसाइज होती है. आप है लेफ्ट नोज को बंद करो, राइट से 3 बार लो. अगर लेफ्ट से आप श्वास लेते तो राइट से स्टार्ट हो जाएगी इमीडिएट. उसके बाद 15 मिनट तक राइट से चलती रहती है. उतनी देर का तो खेल होता है. जब आज इस ये वाली परेशानी में जो लोग उलझ जाते हैं, तमाम जगह जाते हैं रेमेडीज के लिए, और वो करते भी हैं जब उनको सफलता चाहिए, जिस जिसने जैसे उनको दिया सहयोग किया, लेकिन वो कहाँ तक या कितनी इच्छा से कर रहे हैं, अगर उनके ग्रह उनको उतारू कर रहे हैं कि अब आपको इसके लिए सफलता मिलनी है, तो उनके जितने भी किए हुए दवा इलाज रेमेडीज वो सफल हो जाते हैं, चाहे वो 2 साल पुराना केस हो, चाहे 4 साल, चाहे 6 या 8. अपने एक्सपीरियंस से कोई एग्जांपल दीजिए. हाँ, ऐसा था कि मेरे पास एक 8 साल पुराना केस आया. इसमें जब मैंने इसमें नई नई प्रैक्टिस शुरू की थी, क्योंकि मैंने रिसर्च करता था कि ऐसा क्यों होता है जब शादी हो गई है तो बच्चा योग बनने में क्या परेशानी है. तो एक केसेस हमारे पास आया, उसमें था कि उनकी एक ट्यूब ऑलरेडी थी नहीं, जो सेकंड वन थी उसके अंदर क्या था 80% वो डैमेज थी. डॉक्टर की तरफ से कोई रिस्क नहीं था. दैट मस्ट बी आल्सो बिकॉज़ ऑफ सम प्लैनेटरी पोजीशन, कि स्टार वर नॉट गुड दैट टाइम. लेकिन उनको मेडिकल की तरफ जो स्टार्स यूजुअली तबीयत खराब कर देते हैं, जो डिजीज से रिलेटेड, डिजीज से और खामोखाई दवाओं पे पैसा लगाने लग जाते हैं. लेकिन उनके परिवार में वो एक ही बेटा था, ना उनके कोई बेटी थी. वो कहते हमको तो अब चाहिए इशू. उसके लिए फिर हमने रिस्क लिया और 1 साल के अंदर ही सफलता मिली कि उनका बच्चा हुआ. उन्होंने मुझे बहुत बढ़िया सर्टिफिकेट दिया. ये अपोलो केस जो है हॉस्पिटल का था, इस केस के अंदर वहां से उनको मायूसी मिली थी. उन्होंने कहा था कि इसका कोई भी आगे इलाज नहीं है, अब आप भगवान पर ही भरोसा रखो, नहीं तो हम आपको कोई श्योरिटी नहीं देते. लेकिन वो केस मेरे पास आया, उसमें स्टडी करी, देखा कि अब इनके ग्रह पॉजिटिव हो गए और इनको हर जगह पर सफलता देंगे, और उन्होंने सब वो उपाय करे लगन से और उनको सफलता मिली, उनके घर बच्चा. Usually they say that when you terminate your first pregnancy, then there is some difficulty for the for conceiving. हाँ, तो उनके एक बच्चा तो शादी के बाद साल बाद हो गया, लेकिन उसके बाद कोई इशू नहीं. परिवार में जैसे आपको पता है हमारे कस्टम्स ट्रेडिशनल है इंडिया, यहाँ पर लोग घर में उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हैं, तुम्हारे आगे इशू नहीं ये नहीं. तो उससे बहुत ज्यादा जो कपल मेरे पास है परेशान था कि ये हमारा बेबी है, 10 साल हो गए, दूसरा कोई उसमें कंसीव नहीं हुआ. फिर उनको उपाय कराए और 1-1.5 साल के अंदर उनको सफलता मिल गई.
जो कि जब आपकी किसी चीज को पाने में इच्छा लगी रहेगी तो कोई ना कोई रास्ता जरूर आपके ग्रह निकाल देते हैं। लेकिन होता कि हम असफल क्यों हो जाते हैं? अब हर इंसान को तो ग्रहों के बारे में जानकारी है नहीं कि वो अपने ग्रह देख के खुद ही अपना डिसीजन ले जिंदगी का, सुबह से लेकर शाम तक जो उसने काम करना है। हम उस चीज को सर्च कर लेते हैं कि अब इनका टाइम जो है वो सही आ गया है और इस टाइम में किए हुए हर उपाय उनकी सफलता के लिए फायदेमंद होंगे और उनको फिर जैसे 10 साल बाद दोबारा एक और इशू हो गए। ये काम है इसके अंदर। सर ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को हमारे व्यूअर्स और देखना चाहेंगे बट टाइम अप हो चुका है, हमें अब इजाजत चाहिए। तो जस्ट में आप बता दीजिए कुछ व्हाट यू मैसेज यू हैव फॉर चैनसनेस एंड व्हाट आर द रेमेडीज एंड व्हाट आर द हीलिंग्स दैट यू वुड गिव। और मैं जाते जाते दर्शकों से यही एक बात कहना चाहूंगा कि जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा और जो इस चीज से पीड़ित है निसंतान के कारण, उनके लिए जो मैंने उपाय बताए उसको नियम पूर्वक करें, आपको उसमें अवश्य सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार व्यूअर्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट चैलेंजनेस एंड वी हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल। राइट टू अस इफ यू हैव एनी क्वेरीज, वील कीप योर लेटर्स कॉन्फिडेंशियल। आवर एड्रेस इज Sonia signing off on your favorite show, Beyond the Stars. Next time, I'll be back with a new topic, which is non-performance of students in their educational careers. Till then, keep waiting.